शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। गुजारिश ये है कि एक तो हमारे ये साथी वजीर साहबान जो है ना सवालों के जवाब देते हैं या अपनी तकरीर करके फिर भाग जाते हैं, तो इस पे रूलिंग दे दें कि आइंदा ऐसा ना करें। क्या आप लोग हिमायत करते हो ना ऐसे कि तकरीर की सवालों के जवाब देगी? अब हमें वो पता नहीं कौन सा शायर था, उसने कहा कि जी मेरे शेर उसने सुन लिए तो दूसरा भागा, उसको पीछे से पकड़ लिया कि मेरे शेर भी सुन। मैं कभी भागा हूं? ये छोटू तुम लोगों का प्रोपेगेंडा है। जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पे मसला लोकल और डोमिसाइल दो अलग अलग चीजें हैं। मेरा ख्याल है बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जिसको ये एजाज हासिल है कि जब भी बाहर के अफसर आए, ब्यूरोक्रेट आए, उन्होंने बाकी तो जितनी खिदमत हमारे लोकल जो भी करते हैं, शहीद होते हैं, पता नहीं उनके साथ क्या क्या होता है, उनके घर जला दिए जाते हैं, रोडों पे उनके बच्चे मार दिए जाते हैं, वो बाहर वाले डबल ट्रिपल मरात लेके और यहाँ पे वो ये डोमिसाइल का रिवाज डाल के गए। ये मेरा ख्याल है 70 से पहले का है कि जी वो जो उनकी ज़्यादा खिदमत करता था उसको एक डोमिसाइल जारी कर देते थे और वही जो हकूक जो एक लोकल के हैं वो इंजॉय करता था, और वो रिवायत आज तक चली आ रही है। मेरी मालूमात के मुताबिक, शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, कि ये वाहिद बलूचिस्तान में है, बाकी डोमिसाइल का तसव्वुर पंजाब में तो मैंने कभी नहीं सुना है। मेरे ख्याल ना केपी में है ना सिंध में है, पता नहीं क्या वजह है कि यहाँ शायद हम हमारी आबादी बहुत कम है। आबादी को बढ़ाने के लिए मेहरबानी फरमाई है उन्होंने कि वहाँ की आबादियाँ हम अपने साथ शामिल कर लें, या फिर इसको फतह कर रहे थे आबादी बड़ा इस तरीके से हमारे ऊपर मुसलत करके। यहाँ पे मसला डोमिसाइल का नहीं है, डोमिसाइल तो है ही गलत, जैसे समरुल खान ने कहा कि डोमिसाइल है ही गलत, चाहे हम आबादी में कम हैं या ज्यादा हैं। जो इस मिट्टी से पैदा हुआ है वो कोई भी कौम है, कोई भी मजहब है, कोई भी है, वो बलूचिस्तान का बाशिंदा है, वो लोकल है, उसको लोकल तस्वर किया जाता है और उसके बुनियादी हकूक एक इस सरजमीन के मालिक के तौर पे होते हैं। अब हुआ क्या कि एक तरफ तो मेहरबानी वो हुई कि वो ब्यूरोक्रेट जब डिप्टी कमिश्नर की सूरत में, जब या इससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर भी ये तमगे देते थे, ये डोमिसाइल वाले, वो चले गए मरकज में। अब वो डोमिसाइल को बुनियाद बना के उनको लोकल में कन्वर्ट किया, लोकल में कन्वर्ट होके जो वफाकी वजारतें थी, चूंकि इधर तालीम का फुकदान था, वफाकी वजारतों में 95% वही लोग जो जेली लोकल बना के गए वो इस वक्त बरजमान है। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको एक मिसाल दूं, यहां पे मैं नाम नहीं लूंगा, एक खातून जज थी, एक दिन मुझे पता लगा कि वो खातून, मैं खेतरान तो क्या, उस आपका मूसा खेल, आपका लोरलाई, उसकी शक्ल ही उसके बाप दादा ने नहीं देखी थी। एक दिन मुझे पता है कि जी ये तो आपकी लोकल है। मैंने कहा वेलकम, कहाँ की है? कहा बारखान की डोमिसाइल है, लोकल है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं उस जज साहबा से मिला, मैंने कहा, कहती जी मैंने बनवा लिया आपके इलाके का और उसी को एंजॉय करके यहाँ पे, अब शायद वो रिटायर हो गई या डिसमिस हुई है, मैं क्या मुझे नहीं पता, वो बारखान के लोकल पे यहाँ से जज भर्ती हुई और यहाँ पे एंजॉय करके गई। हम ये नहीं कहते, हम बहसियत पाकिस्तानी, हमारे लिए चाहे वो पंजाबी है, सिंधी है, पश्तून है, बलोच है, खेतरान है, बरावी है, हजारा है, कोई भी है, हम इस चीज़ को कि वो पाकिस्तानी है हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे हर लिहाज से हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जो बुनियादी हकूक हैं, बुनियादी हकूक जो इस सूबे के वासियों के हैं, वो यहाँ पे जिन जो इस मिट्टी से पैदा हुए हैं, चाहे कोई भी है,
उसका हक है। बाहर से आने वाला चार दिन के लिए आए और अपने साथ बंदे लाए या अपना अपना सर्टिफिकेट बना के चला जाए और फिर तमाम राहत हासिल करे, ये इस सूबे के साथ, इस सूबे के अवाम के साथ जुल्म है। मेरे दोस्त ने कहा कि डोमिसाइल के लिए इंशाल्लाह, मेरे कुलीग ने कहा कि ये पहली हुकूमत है जिसने इस चीज़ को टेकअप किया है, हम इस पे सीरियस हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने भी इस पे रूलिंग दे दी है कि बाज़ाब्ता डायरेक्शन गई है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, जो डायरेक्शन हमारी तरफ से गई है, हमारी हुकूमत की तरफ से गई है, वही डायरेक्शन हाई कोर्ट की तरफ से उनको एक टाइम पीरियड दिया गया कि इसके अंदर अंदर आप अपनी छानबीन करें और जो भी जेली बने हुए हैं उनको इमीडिएटली कैंसिल करके वो लिस्टें हाई कोर्ट को भिजवा दें। हाई कोर्ट ने मेरा ख्याल है इस तरीके से डिस्पोज आप भी कर दिया इसी तरीके से। क्यों बा तो अजलास ख़त्म होने वाला है, तुम लोग सो के आते हो, अभी याद आके फिर बात करके फिर भाग जाओगे, कोई कार्रवाई नहीं, ख़त्म, करारदादें ख़त्म हो चुकी हैं, वो पता है मुझे आपकी है, तो इसीलिए आपने टाइम पे लेट करके आए हो। तो जनाब स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है कि ये तमाम ऐवान जो है, ये करारदाद, इस करारदाद को कन्वर्ट करें कि डोमिसाइल का वजूद ही यहाँ इस सूबे से ख़त्म कर दें, इसको इस तरीके से, इस करारदाद को जो मोहरिक है शायद बाय नमाज पढ़ने गया है, इस करारदाद को कन्वर्ट करें कि डोमिसाइल का तो वजूद ही खत्म करें, डोमिसाइल है क्या। दूसरी बात यह है कि जहां तक लोकल का सवाल है, जेली लोकल का है, उस पर हाईकोर्ट ने भी इस पे सीरियस तरीके से डायरेक्शन जारी किया है, हमारी हुकूमत भी इस पे सीरियस तरीके से उसने डायरेक्शन जारी किए कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, कि इमीडिएटली आप ये लिस्टें फाइनल करके और उसी जगह पे विद बग़ैर टाइम ज़ाय किए उनके लोकल कैंसिल कर दें। तो मैं गुजारिश करूंगा मोरिक से या अभी सना बैठा है कि इस करारदाद को कन्वर्ट करें कि डोमिसाइल का वजूद ही इस सूबे पर एहसान करें कि ये डोमिसाइल है क्या, कुछ नहीं है। ये जैसे आप एक जाएँ कहीं पर आपको वो एक वो दो साल का अकामा मिल जाए या वो आप बुनियादी हकूक़ वो अरबियों वाले या कहीं दुबई के या सऊदी के इंजॉय करना है, वो कभी आपको नहीं करने देंगे। ये इसका वजूद ही ख़त्म करें, जो इस सरजमीन में पैदा हुए, बाप दादा इधर दफन है, उनके आबा अजदाद यहाँ पे आबाद थे, वो लोकल बन जाए, हमें सर आँखों पर, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हाउस की राय लेके इसको एक करारदाद या आपके आपके ऑर्डर ऑफ द डे में भी जा सकता है कि आप ये कर दें कि जी डोमिसाइल का आइंदा कोई वजूद नहीं है, कोई कुछ सिलसिला नहीं है, ये आपके आपकी ज्यूरिसडिक्शन में है, आपकी पावर्स में है, आपकी कुर्सी के पास इतनी पावर है कि ऑर्डर ऑफ द डे एक जारी कर सकती किसी बारे में भी, हम इसकी तायद करते हैं, पूरे हाउस से आप राय ले लें। तो बाकी जहाँ तक इसकी कानून साजी है, हम कैबिनेट में हम जबान कर रहे हैं कि हम ले जाएंगे, ज़मरुख खान भी है, हम भी हैं, हमारे साथी हैं, हम वहाँ से भी पास करके उसको भी कानूनी शक्ल में असेंबली में भी ले आएंगे।